नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कैलाश और आप देख रहे हैं मेरे YouTube चैनल सीमा इलेक्ट्रिकल। दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि पिछले एक वर्ष से पूरा विश्व कोरोना महामारी से जूझ रहा है। इस महामारी से संक्रमित व्यक्ति को चिकित्सक या डॉक्टर भाप लेने की सलाह देते हैं, जिससे ऑक्सीजन लेवल एक हद तक सही हो जाता है। तो दोस्तों, मैंने एक छोटा सा देसी जुगाड़ बनाया है, जिससे आप घर बैठे ऑक्सीजन ले सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं इसको बनाने का। तो फ्रेंड्स, इसे बनाने के लिए आपको एक चाहिए होगी पानी की बोतल, 2 लीटर की या 1 लीटर की भी हो, थोड़ी चौड़ी होनी चाहिए, जिसमें नाक और मुंह एक साथ आ सके। और एक ये इस तरीके का कॉफ़ी हीटर चाहिए, जो 30 से 40 रुपए का आपको इलेक्ट्रिकल शॉप पे आराम से मिल जाएगा। और एक ये चाहिए हमें एमसील, ये देख सकते हैं आप। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं इसको। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, इसको जो है हमें आरी से ये डब्बे टाइप का एक बना लेना होगा। लगभग मैं देख रहा हूँ 4, 2, 6 से 7 उंगली के बराबर, लगभग आधी से थोड़ी सी कम बोतल को हमें पूरा बीच में से काट लेना है। तो मैं काट लेता हूँ फ्रेंड्स। तो फ्रेंड देख सकते हो आप, इस तरीके से हमें काट लेना है। और ये हिस्सा हमें ज़मीन पर रगड़ देना है, ताकि हमारे नाक और मुंह में लगे ना ये हिस्सा। तो फ्रेंड्स, अब आती है इस हीटर की बारी, इसको कैसे लगाया जाएगा। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, इस हीटर पे हमें ये जहाँ तक हमारा हैंडल लगा हुआ उसके ऊपर मार्क कर लेना है, कुछ इस तरीके से, जितना ये बाहर निकला हुआ है। तो ये देख सकते हो फ्रेंड्स, मेरा मार्क हो गया है। अब इसे हमें खोल लेना है। तो फ्रेंड देख सकते हैं, मेरा खुल चुका है। अब इसकी वायर को हम हटा देंगे, ये देख सकते हैं। अब फ्रेंड्स, क्या है इसके अंदर, इसको हमें फिट करना है। तो हम यहाँ से इसको, ये जो देख रहे हो आप, ये 2 पिने हैं, हमें यहाँ से छेद करके इसके अंदर फिट करना होगा। और एक चीज़ ध्यान रहे, बोतल का नीचे वाला हिस्सा उठा हुआ है, ज़रा सा इससे ऊपर रहे हमारा ये। तो यहाँ पे हम 2 छेद कर लेंगे फ्रेंड्स। छेद करने से पहले हमें 2 निशान लगा लेने होंगे, ताकि ये बिल्कुल अच्छी तरीके से आ जाए हमारा। तो मैं निशान लगा लेता हूँ, एक हमारा ये आया और दूसरा जो है लगभग यहाँ पे आएगा। अब इन दोनों निशान को हम आयरन की मदद से यहाँ पर कर लेंगे छेद। तो ये देख सकते हो फ्रंट, इस तरीके से हमें छेद कर लेना है यहाँ पे 2। अब इस एलिमेंट को फ्रेंड्स हमें यहाँ पे डाल देना है। कुछ इस तरीके से फ्रेंड्स, ये देख सकते हैं मैंने ये डाल दिया है। अब हमें लगानी है यहाँ पे एमसील। जो निशान हमने इसके ऊपर लगाया था, वो निशान हमारा बाहर तक रहना चाहिए, उसका ध्यान रहे हमें। तो फ्रेंड देख सकते हैं, मैंने एमसील मिला ली है। अब इसको जो है इसके अंदर हम अच्छी तरीके से लगा देंगे। लगभग ये हमारा इतने पिन बाहर रहने चाहिए जितना हमारा ये था। हम एमसील की जगह पर एरल डाइट भी यूज कर सकते हैं, या ग्लू गन भी यूज कर सकते हैं। बिल्कुल हमें अच्छी तरीके से लगाना है फ्रेंड, जो पानी हमारा लीक ना हो। तो फ्रेंड देख सकते हो, कुछ इस तरीके से एमसील लगा देनी है। मैंने आज काफ़ी अच्छी तरीके से लगा दी है, जिससे कि पानी हमारा बाहर ना आ सके। इस तरीके से हमें लगानी है, और लगाने के बाद कम से कम 2 से 3 घंटे हमें इसको धूप में रखना है। तो फ्रेंड आप देख सकते हैं, मैंने इसको धूप में 3 घंटे रख दिया था, और ये मेरा अच्छी तरीके से सूख गया है। आप देख सकते हैं, मेरा जो ये है, इस तरफ इतना बाहर मैंने किया था, वो उतना ही है। लगभग मेरा अच्छी तरीके से सूख गया, ये देख सकते हो। मैं इसे उखाड़ रहा हूँ तो ये नहीं उखड़ रहा है। तो चलिए फ्रेंड, इसके कनेक्शन करते हैं। कनेक्शन जैसे कि दोस्तों ये थे इसके अंदर, तो हम इसको ही लगा के इसमें दबा देंगे। तो ये देख सकते हैं, इस तरीके से इसके कनेक्शन थे। तो फ्रेंड देख सकते हैं, मेरा ये अच्छी तरीके से टाइट हो गया है, ये हिलाने से नहीं हिल रहा है। तो अब इसके अंदर हमें जो ये वाली डिब्बी थी, इसकी इसको लगानी होगी। तो इसे भी मैं लगा लूँगा फ्रेंड्स, सेम इसको उसी तरीके से लगा देना है जिस तरीके से फ्रेंड्स ये था। तो फ्रेंड देख सकते हैं, मेरा बनकर अच्छी तरीके से तैयार हो चुका है, इसमें प्लग वगैरह पूरा कंप्लीट है। तो इसको किस प्रकार यूज़ करना है, तो आइए फ्रेंड्स मैं यूज़ करके दिखाता हूँ इसको।
तो फ्रेंड्स इसके अंदर हमें डालना है पानी। तो ये देख सकते हैं पानी मैंने फ्रेंड डाल दिया है। पानी हमें उतना ही डालना है जितना कि हमारा एलिमेंट सिर्फ डूब जाए। तो ये देख सकते हो फ्रेंड्स, और अब मैं इसको प्लग में लगा दूंगा। तो मैंने इसको प्लग में लगा दिया है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स मैंने इसे प्लग में लगा दिया है और ये बिल्कुल शॉक प्रूफ है। देख सकते हो चलते हुए मैं पानी में हाथ डाल सकता हूँ। तो मेरा पानी जो गर्म होने लगा है, और इसके अंदर से लगभग एक मिनट हमें इसे लगा के रखना, उसके बाद भाप ही भाप आना शुरू हो जाएगी। किस तरीके से मुंह पे लगाना है मैं वो भी आपको दिखाऊंगा फ्रेंड्स। फ्रेंड इसको आप कहीं भी यूज कर सकते हो, कहीं भी का मतलब इसको गर्म पानी पीने के लिए इसमें पानी गर्म कर सकते हो, चाय या कॉफ़ी भी बना सकते हो, और भाप लेने के लिए तो इसको बनाया ही है मैंने। तो फ्रेंड्स यूज करने के लिए हमें इस पर थोड़ा सा कपड़ा लगा लेना है ताकि हमारे नाक और मुंह में स्क्रैच ना आए। तो ये देख सकते हो फ्रेंड्स, अब मैं इसे यूज करके दिखाता हूँ किस तरीके से यूज होगा ये। तो देख सकते हो फ्रेंड्स इसके अंदर से भाप निकलने लग चुकी है। अब मैं इसको यूज करके दिखाता हूँ। तो फ्रेंड देख सकते हो आप, इस तरीके से हमें भाप लेनी है। इसमें नाक और मुंह लगा करके अच्छी तरीके से इसमें भाप ले सकते हैं। अगर इसके अंदर दवा वगैरह भी डाल सकते हैं हम। तो देख सकते हो कितनी अच्छी भाप आ रही है, हमने इसे घर पे बनाया है। तो फ्रेंड्स अगर आपको कोई दिक्कत हो इसे बनाने में तो मुझे आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उस कमेंट का जवाब ज़रूर दूंगा। तो देखिए फ्रेंड्स भाप निकल रही है और कितनी अच्छी तरीके से भाप हम ले सकते हैं इसके अंदर। ये सिर्फ 30 से 40 रुपये का बन जाएगा ये। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।